इमेज फॉर्मेशन, जैसे अभी हमने देखा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं जिसमें हम समझ पाएंगे कि यार ये हमारा कॉनकेव अभी तक मिरर बना नहीं है, तो क्या होगा, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव, ठीक है। और थोड़ा सा इसका कर्वेचर बढ़ा लेता हूं, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स किसमें, अब हम कॉनकेव मिरर पढ़ते रहते हैं, ठीक, कॉनकेव मिरर पढ़ा हमने। अब देखो आउटर साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो जिस कर्व से इसको तोड़ा गया होगा, जिस स्फीयर से इसको तोड़ा गया होगा, उसका सेंटर होगा यहां पे, और इस पूरे एपर्चर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड एज पोल। जिस स्फीयर से इसको तोड़ा गया दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल यहां लिखता हूं, ठीक है। अब फोकस क्या होता है, अब रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलली आ रही है, ठीक है, तो हमने देखा था मिरर में, प्लेन मिरर अगर है तो क्या होता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट कर जाती है, अगर कोई रे परपेंडिकुलर आती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है, ये दो ही रूल थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दो ही रूल थे, ऐसा ही कुछ होता था। यहां पर भी क्या हो रहा है, इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, तो रेज इंफिनिटी से आ रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे से पैरेलल है, रेज कैसे एक दूसरे से पैरेलल, तो जैसे रेज आ रहे हैं बहुत इंफिनिटी से, है ना, तो ये सारे के सारे जो पैरेलल रेज है जो सारे के सारे पैरेलल रेज है वो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मिलती है आके, जिस पॉइंट पे मिलती है, जिस पॉइंट पे कॉन्वर्ज होती है आके, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, जो हमने देखा था पॉइंट फोकस, तो दिस इज फोकस। तो हम बोलेंगे रूल बना लेंगे इसका, रूल पहला रूल, पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल, When the rays are coming parallel to the principal axis, ये जो principal axis है हमारा, ये जो बीच वाला जो blue color का line है, that is our principal axis. या फिर the rays which are coming from infinity, after reflecting will converge at focus. कहां पे मिलेंगे, आके focus पे मिलेंगे, इसीलिए इसको बोला था फोकस, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। तो ये तो एक कंबाइंड डायग्राम हो गया, हम इसको रूल बना के पढ़ेंगे। पहला रूल क्या बनाएंगे, दिस इज द कॉनकेव मिरर, यहां से जाने वाली लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, ऐसा कुछ होगा। अब हमें तो पैरामीटर्स सारे पता है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हम ये बोलेंगे द लाइन विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन पैरेलल जा रही है, जो भी लाइन पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां रिफ्लेक्ट होगी वो इस कर्वेचर से, विल पास थ्रू फोकस, क्या हो जाएगा, वो फोकस से पास करेगी। ये एरोज आपको शो करता है कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, वो फोकस से गुजर जाएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट रूल सेज, ठीक है। फिर सेकेंड रूल के बारे में आते हैं हम लोग, इसी में बना देता हूं, ये फोकस है, ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, और पोल है ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला डिस्टेंस है फोकल लेंथ ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, द रे विच इज सेकेंड, दूसरा बना देता हूं मैं, क्या रेड पेन से बनाता हूं ठीक है, क्या बोल रहे हो, द रे विच इज पासिंग थ्रू, जैसा ऐसा बना दो, रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, अगर रे फोकस से जा रही है, अगर ऐसी रे आई फोकस से गई और स्ट्राइक कर गई किस पे, मिरर पे, विल गो पैरेलल, विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रे विच इज, द रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एग्जैक्टली अपोजिट दिख रहा है प्रीवियस फर्स्ट केस से, द रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, एंड नाउ द रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है, ऐसा हो रहा है, सिंपल है। सो दिस इज द सेकेंड रूल। तीसरा रूल क्या हो सकता है, समझ में आ रही है बातें, तो इसको अच्छी तरह से बनाओ, दिस इज द कॉनकेव मिरर, स्पूल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है। तो दूसरी चीज क्या हो सकती है बोलो, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बना देता हूं, तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी, वो जो जा रही है वो वापस आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, देखो किसी भी स्पीयर में, किसी भी स्पीयर में ये सेंटर है ना, उससे रे पास कर रही है, मतलब वो कर्वेचर और ये वाला जो कर्व है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, सही बात है। तो एज गुड एज ऐसा कंडीशन हो रहा है, जब भी रे नॉर्मली इंसिडेंट करती है किसी सरफेस पे वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, हमने देखा था नॉर्मल प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन में ऐसा देखा था। तो यहां पर ये जो एरिया है इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस रे, इसलिए वो बाउंस बैक कर जाती है ठीक है। इसका रीजन है कि व्हेनेवर ray of light is passing through center of curvature, it becomes perpendicular to the surface, इसीलिए वो बाउंस बैक कर जाती है। तो हमने यहां पर तीन रूल्स पढ़े, क्या, the ray which is parallel to principal axis after reflection will pass through focus, दूसरा the ray which is passing through focus after reflection will go parallel to principal axis ठीक है, और तीसरा जो हमने अभी पढ़ा क्या है, तीसरा द रे विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बाउंस बैक राइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ठीक है। सो दीज आर द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव मिरर। और एक केस हो सकती है इसमें, जैसे आपको दिखता है, जैसे बुक्स में तो आपको तीन केस मिलेगी, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन अगर पता हो तो अच्छी बात है। जैसे स्पूल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे, रेड पेन से बना रहा हूं मैं, इफ द रे इज इंसिडेंट ऑन द पोल ठीक है, तो पोल में इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये प्रिंसिपल एक्सिस जो जा रही है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इससे जा रहे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसे रिपेल करेगी, मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी रे, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, ये लिख सकते हो आप फोर्थ केस, पर ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तीन केस सफिशिएंट है। तो जब भी रे ऐसे आके पोल पे गिरती है तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पर क्या हो रहा है, प्योर रिफ्लेक्शन हो रहा है प्लेन मिरर जैसा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तो हमेशा ही होता है, वो लॉ है रिफ्लेक्शन का,
वो तो हमेशा हर केस में होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. समझ में आ रही है बात? सो दिस इज व्हाट द फोर्थ केस इज इन अ इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर. समझ में आ रही है बात? तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज आप बार बार इन सारी चीजों को पढ़िए, क्योंकि इसी के बदौलत, इसी के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो मूव करते हैं. जैसे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव के लिए तो खत्म हो गया, अब कॉन्वेक्स के लिए जाते हैं. कॉन्वेक्स का थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, पर अजीब नहीं है, थोड़ा सा मस्त है वो, है ना? आपको अगर कॉमन सेंस आपका डेवलप हो गया अभी लाइट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको मजा आएगा. ठीक है, चलो मिटाता हूं ये मैं. ये फोर्थ लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. अब कॉनकेव पढ़ लिया हमने, अभी हम कॉन्वेक्स पढ़ेंगे. कॉन्वेक्स पढ़ेंगे कॉन्वेक्स पढ़ेंगे ठीक है. क्या बोल रहा है कॉन्वेक्स? तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा था कुछ, अंदर का पार्ट नॉन रिफ्लेक्टिंग ओपेक कर दिया था हमने, ठीक. तो ये था हमारा पोल, यहां पे फोकस, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक, तो उस साइड में तो कुछ रहेगा नहीं, रहेगा भी कोई रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला, किसी साइड से होने वाला. तो हम बोलेंगे द रे, रेड पेन से बनाता हूं. ठीक है, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो स्ट्राइक कर जाएगी अब इस मिरर पे. सो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्लेक्ट एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी वो. लेकिन ऑब्जर्वर जो इधर से देख रहा है इस रे को, ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है, पीछे वाले फोकस से आ रही है, यहां से आ रही है. ऐसा बना देता है. ठीक है, ऐसा लगेगा ऑब्जर्वर को यहां से देखने के बाद कि यार ये तो उस साइड के फोकस से आ रही है. द रे विल अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, पर कहां से? फोकस. द रे विल अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस बिहाइंड द मिरर, ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक है, तो जब भी रे पैरेलल होती है टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वह ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल फोकस से आ रही है. अब ये तो कॉन्वेक्स की बात होगी, कॉनकेव में भी ऐसा होता था. द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, तो यहां पे इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, इट इज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस. समझ में आई बात? तो स्टेटमेंट्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे. अभी आप इस पे ध्यान में रखो कि जब भी रे पैरेलल आती है तो ये चीज, ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेकिन कैसा लगेगा हमें कि ये फोकस से आ रही है, पर ऐसा हो नहीं रहा है एग्जैक्टली एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि रे अंदर जा ही नहीं सकती दूसरे साइड, ये हमारा इल्यूजन है कि वो वहां से आ रही है. समझ में आया? क्योंकि कर्वेचर ही वैसा है. ठीक, सो दिस इज व्हाट योर फर्स्ट रूल, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट रूल. ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो दूसरा, दूसरा क्या किया था हमने, सेकेंड वाला क्या, कि द रे, सपोज रे ऐसे आ रही है कहीं पर, ऐसा लगेगा कि वो फोकस पे गिरने वाली है. द रे विच अपियर्स अपियर्स टू बी फॉलिंग ऑन फोकस विल गो पैरेलल, कैसे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी.
will go parallel. समझ में आ रही बात? The ray which appears to be falling on focus will go parallel. ठीक? समझ में आ रही बात? So ये है आपका second case कि जो focus पे गिरने वाला था वो parallel निकल जाएगा, है ना? Concave के साथ भी compare कर सकते हो आप. ठीक? ये है second rule in the case of convex. Simple है? चलो. और क्या कर सकते हैं इसमें? ऐसा भी हो सकता है कि कोई रे इस पे गिरने वाली हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरने वाली हो, तो ऐसी रे क्या कर जाएगी? बाउंस बैक कर जाएगी. वही रूल कि जब भी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ पंगा लेता है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है? वो जाता है परपेंडिकुलर टू द कर्वेचर. इस प्लेन मिरर या कर्व से वो परपेंडिकुलर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? बाउंस बैक. तो हम ये बोलेंगे द रे विच अपियर्स टू बी फॉलिंग ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बाउंस बैक. विल बाउंस बैक, वही वैसे ही बाउंस बैक कर जाते हैं. ठीक है, ये है अपना तीसरा नियम. ठीक है, चौथा इसमें भी बोल सकते हो आप कि रे विच इज फॉलिंग ऑन पोल, यहां पे पोल है तो ये नॉर्मल हो जाएगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये क्या है? पोल पे गिर रहा है. इसको भी आप चौथी केस मान सकते हो, पर ये सिंपल रिफ्लेक्शन की केस है. ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वी हैव ऑल द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. अगर ये आपको समझ में आया, अगर आपने किया तो आपको इमेज बनाना आ जाएगा. और इमेज कब बनेगी? जब दो रेज मीट करेंगे. तो यहां पर आपने एक 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 रेज पढ़ी है, तो अभी हम सारी चारों रूल्स को, तीनों रूल्स को कंबाइन करेंगे और इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ेंगे. समझ में आ रही है बात? तो प्लीज इसको लिखो, इसको समझो, तब जाके आपको मजा आएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं. होपफुली आपने प्लेन मिरर्स के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स उसके भी क्वेश्चंस कर लिए होंगे आपने. कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.